नमस्कार, मेरा नाम सुरजीत है और मैं आप लोगों को केमिस्ट्री पढ़ाऊंगा। केमिस्ट्री पढ़ाने से पहले मैं एक वीडियो उन सारे स्टूडेंट्स के लिए बनाना चाहता हूं जिन्होंने अभी 10th पास करी है। इस वीडियो में मैं उनको ये बताऊंगा कि आपको कोई भी स्ट्रीम अगर चूज़ करनी हो तो कैसे करनी है, ठीक है ना। तो उसके लिए मैं बताऊंगा कि स्ट्रीम्स होती हैं तीन। एक तो होती है साइंस, एक होती है आर्ट्स और एक होती है कॉमर्स। तो साइंस में भी दो होते हैं, दो स्ट्रीम्स होती हैं। एक तो होता है मेडिकल और एक होता है नॉन मेडिकल। तो इनमें मैं बताऊंगा कि जो साइंस है, साइंस अगर आप लोगों को तब भी लेनी चाहिए अगर आप लोग ऐसी चीज़ें इमेजिन कर सकते हो जो कि आप लोगों ने कभी देखी नहीं होती हैं, ठीक है ना। अगर आप लोग उन चीज़ों को इमेजिन कर सकते हो अगर, तभी आप लोगों को वो साइंस लेनी चाहिए। अगर आप लोग इमेजिन नहीं कर सकते तो मैं आपको बोलूँगा कि आपको साइंस लेने की कोई ज़रूरत नहीं है, आप आर्ट्स और कॉमर्स ले सकते हो, ठीक है ना। बिकॉज इधर ऐसी ऐसी माइक्रो लेवल की चीज़ें होती हैं बेटा, वो आप कभी आप देखोगे नहीं, ठीक है ना। तो बस आपको ऐसे ही याद कर लेना है, ठीक है ना, याद कर लेना है। और बीच बीच में कभी कभी आप लोग एक्सपेरिमेंट करते हो, ठीक है ना। तो ये वाली चीज़ हो गई साइंस के मुताबिक, ठीक है ना। तो फिर आ गया आर्ट्स। आर्ट्स आपको कब लेना है, अगर आप लोग जो आपके डेली लाइफ में आपको चीज़ें दिख रही हैं, न्यूज़ वगैरह में जो चीज़ें दिखती हैं अगर आप लोगों को, ठीक है ना, न्यूज़ जो जो चैनल्स हैं उधर आप न्यूज़ देखते हो, अगर उनके बारे में, मतलब वैसी चीज़ें जो आपको दिखती हैं डेली की डेली, अगर उन चीज़ों के बारे में पढ़ना चाहते हो तो बेटा आप लोगों को आर्ट्स ले लेना चाहिए। और कॉमर्स भी वैसे आप डे टू डे लाइफ से आप इन चीज़ों को कोरिलेट कर सकते हो, ठीक है ना। कॉमर्स जैसे अगर किसी को इंटरेस्ट है बिजनेस वगैरह में तब आप लोग कॉमर्स ले सकते हो। आर्ट्स कब लेना है, अगर आप लोग थोड़ा मतलब एक अवेयर सिटीजन बनना चाहते हो, ठीक है ना। अवेयर इन द सेंस कि आप पता करना चाहते हो कि हाँ भाई क्या चल रहा है आगे पीछे, क्यों हो रहा है, क्या चक्कर है। तो वैसा चीज़ एक सिटीजन बनना चाहते हो तो आपको ये सब्जेक्ट ले लेना चाहिए, ठीक है ना। तो मैं बताता हूँ कि मेडिकल में कौन कौन से सब्जेक्ट्स होते हैं। मेडिकल में बेटा होता है फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी और बाकी एक दो सब्जेक्ट होते हैं जो ऑप्शनल, और अंग्रेजी एक लैंग्वेज जो होती है वो कंपलसरी होती है, ठीक है ना। तो मेडिकल में होती है फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी। ब्रीफ में मैं आपको बता देता हूँ कि फिजिक्स में आप लोग क्या पढ़ते हो। बेटा फिजिक्स में आप लोग ऐसी चीज़ें पढ़ते हो जैसे आप चल रहे हो, ठीक है ना, गाड़ियाँ चल रही हैं, एरोप्लेन चल रहा है, ठीक है ना, मोशन हो रही है, मोशन से रिलेटेड आप लोग चीज़ें पढ़ते हो, ठीक है ना। जैसे कोई इनर्जी का एक्सचेंज हो रहा है, जैसे आपने कोई कोई चीज़ बना रहे हो तो कोई इनर्जी निकल रही है, इनर्जी का एक्सचेंज जो इनर्जी का एक्सचेंज, सॉलिड्स, लिक्विड्स और गैसेस, इनके बारे में पढ़ते हो। बड़ी माइक्रो लेवल की चीज़ें पढ़ते हो जो कि आप कभी देख नहीं सकते, उन चीज़ों के बारे में आप पढ़ते हो। और इलेक्ट्रिसिटी के बारे में पढ़ते हो, जैसे जो फोन्स वगैरह में इलेक्ट्रिसिटी होती है, वेव्स वगैरह के बारे में पढ़ते हो, ऑसिलेशंस के बारे में पढ़ते हो, वेव्स होती हैं, जैसे आपका टीवी क्यों चल रहा है बेटा, वो चीज़ें कभी आप देख नहीं पाओगे, विजुलाइज नहीं कर पाओगे। अभी आप देखो इलेक्ट्रिसिटी की एग्जांपल ले लो, करंट फ्लो कर रही है, बट आप कभी, मेरे को एक चीज़ बताओ, कभी आप देख पाओगे उसको, तो आप उस चीज़ को कभी भी देख नहीं पाओगे। तो बेटा आप लोगों को ऐसे एज इट इज़ याद करनी पड़ेगी, हाँ भाई ऐसी चीज़ है, और डेरिवेशन होनी है तो आपको वो चीज़ है। तो और केमिस्ट्री में बेटा आप सब कुछ पढ़ते हो, मैटर से रिलेटेड जितनी भी चीज़ें होती है ना, मैटर, मैटर क्या होता है, जिसमें जो स्पेस ऑक्यूपाई करता है और उसमें मास होता है, तो वो वाली चीज़। तो दुनिया में हर एक चीज़ मैटर है बेटा। कि मैं एक चीज़ बता दूँ कि दुनिया में मेरे को, मैं केमिस्ट्री का टीचर हूँ तो मेरे को हर एक चीज़ में केमिस्ट्री दिखती है बेटा, अगर आपको, बिकॉज केमिस्ट्री स्टडी ही मैटर की है। तो अगर आप मेरे को कोई चीज़ बोल दोगे कि हाँ भाई ये इसमें केमिस्ट्री है, तो मैं बोल दूंगा हाँ भाई है, बट आपको उसको इमेजिन करने के थोड़ा विजुअलाइजेशन करनी चाहिए कि हाँ इमेजिनेशन पावर होनी चाहिए। अगर आप इमेजिन नहीं कर पाओगे तो बेटा ये सब्जेक्ट आपके लिए नहीं बना है, ठीक है ना। देन हो गया बायोलॉजी। बायोलॉजी में बेटा आप लिविंग थिंग्स के बारे में पढ़ते हो। लिविंग थिंग्स क्या हो गई, जैसे कि प्लांट्स हो गए, एनिमल्स हो गए, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हो गए, बैक्टीरिया, वायरसेस,
इन सभी के बारे में आप लोग पढ़ते हो। तो अगर इसमें बॉटनी होती है और जियोलॉजी होती है, बॉटनी में आप क्या लोग पढ़ते हो? प्लांट्स के बारे में पढ़ते हो। जियोलॉजी में क्या पढ़ते हो आप? उसमें आप एनिमल्स के बारे में पढ़ते हो। तो बेटा ये सारी हो गए मेडिकल में, ठीक है ना। तो अगर इसमें बंदे 10th के बाद मेडिकल इसलिए लेते हैं ताकि वो डॉक्टर बन जाएं, ठीक है ना, डॉक्टर बन जाएं। तो आप मेडिकल रख के एक डॉक्टर बन सकते हो, ठीक है ना। नॉन मेडिकल, नॉन मेडिकल में भी बेटा फिजिक्स होती है, केमिस्ट्री होती है और मैथ्स होता है। फिजिक्स केमिस्ट्री के बारे में तो मैंने बता दिया, बट इसमें क्या होता है, मैथ्स होता है। मैथ्स में क्या होता है, मैथ्स में बेटा आप लोग मैथ्स आप बचपन से आधे बंदे बहुत ज़्यादा डरते हैं, ठीक है ना। मैथ्स में मतलब अगर आपको फिजिक्स केमिस्ट्री में बेटा अच्छे से पढ़नी है ना, तो मैथ का आपको ज्ञान होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। बिकॉज मैथ हर एक चीज़ में यूज़ हो जाता है कहीं ना कहीं, छोटी बोट कैलकुलेशन, छोटी मोटी कैलकुलेशन। आजकल तो बायोलॉजी में भी मैथ यूज़ होने लग पड़ा है। जैसे आप उधर वो जेनेटिक कोड वगैरह उधर कुछ होती हैं चीज़ें, मेरे को अभी भूल गया, बट वो वाली चीज़ें इधर उधर ही यूज़ होता है मैथ। तो मैथ की बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस है, आपको कैलकुलेशन करना आनी चाहिए और थोड़ा बहुत नॉलेज होना चाहिए 11th 12th के मैथ का, एक अवेयर सिटीजन होने के लिए, ठीक है ना। तो ये वाली चीज़ें हो गई। देन हो गया आर्ट्स। आर्ट्स में बेटा कौन कौन से सब्जेक्ट्स होते हैं, जैसे हो गया हिस्ट्री, हो गया ज्योग्राफी, हो गया पॉलिटिकल साइंस, हो गया पॉलिटिकल साइंस, हो गया सोशियोलॉजी, हो गया सोशियोलॉजी, हो गया देन एजुकेशन, हो गया। तो ये सारी चीज़ें इधर होती हैं, ठीक है ना। तो मैं आपको बताता हूँ कि हिस्ट्री में आप लोग क्या पढ़ते हो। हिस्ट्री में बेटा आप लोग पढ़ते हो इतिहास के बारे में, जैसे हमारे उधर हरप्पन सिविलाइजेशन हुई, ठीक है ना, अशोका कौन था, मौर्यन एम्पायर, ठीक है ना, मतलब जो पुराने किंगडम हुए उन्होंने कैसी कैसी चीज़ें बनाई हैं, कैसे कैसे टेम्पल्स थे, ठीक है ना। वैदिक लिटरेचर के बारे में बढ़ता पता लगता है आपको, वेद्स के बारे में, जो चार वेद होते हैं, ठीक है ना, उनके बारे में पता लगता है। फिर मेड्यूवल हिस्ट्री होगी, मेड्यूवल हिस्ट्री में दिल्ली सल्तनत के बारे में पता लगेगा, जो इतने अच्छे टेम्पल्स हैं उनके बारे में पता लगेगा, ठीक है ना। देन उसके बाद जो चीज़ हो गई, उसके बाद मुगल एम्पायर के बारे में पता लगेगा। और फिर मॉडर्न हिस्ट्री होती है, ठीक है ना। मॉडर्न हिस्ट्री में आप लोगों को पता लगता है कि हाँ भाई वो आए मुगल एम्पायर के बारे में पता लगेगा, और देन जो अंग्रेज़ हमारे देश में आए थे उन्होंने राज किया था, तो उन सभी के बारे में पता लगेगा। देन फ्रीडम स्ट्रगल के बारे में पता लगता है। तो यही सारी चीज़ें आप लोगों ने हिस्ट्री में पढ़नी है, और एक आर्ट एंड कल्चर भी होता है हिस्ट्री का टॉपिक। और ज्योग्राफी, ज्योग्राफी में बेटा आप लोग क्या पढ़ते हो। ज्योग्राफी में बेटा यही सारे जितने भी आगे पीछे आपको ये सारी चीज़ें दिख रही हैं, जैसे रिवर्स दिख रही हैं, माउंटेन्स दिख रही हैं, प्लेट्यूज़ दिख रहे हैं, आईलैंड्स दिख रहे हैं, ओशंस दिख रही हैं, तो इन्हीं सभी के बारे में आपको अर्थ के बारे में जानकारी मिलने को, जियो मीन्स अर्थ, तो इसकी जानकारी आपको देखने को मिलती है। जैसे फिजियोग्राफी हो गए, फिजिकल डिवीजन, जैसे माउंटेन्स कैसी हैं, प्लेट्यूज कैसे हैं, क्लाइमेट कैसा है, बारिश मानसून क्या टाइप क्लाइमेट कैसा क्या होता है, वेदर क्या है, तो इन सभी चीज़ों के बारे में आपको पता लगता है, ठीक है ना। पॉलिटिकल साइंस में क्या होता है, पॉलिटिकल साइंस में बेटा आपको इन सभी के संविधान के बारे में पता लगता है, आपको अपने कानूनों के बारे में पता लगता है, कानून क्या होते हैं, ठीक है ना। कानूनों के बारे में आपको पता लगेगा कि हाँ भाई कैसे कानून है हमारे, कानून जैसे अभी इधर इंडिया में एक प्राइम मिनिस्टर को ज़्यादा पावर दी गई है, तो बाकी कंट्रीज़ में किसी किसी में प्रेसिडेंट को ज़्यादा पावर दी गई है, तो इसके बारे में पता लगता है। प्रेसिडेंट का क्या 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 काम होता है, प्राइम मिनिस्टर का क्या काम होता है, गवर्नर का क्या काम होता है, सीएम का क्या काम होता है, इलेक्शंस का क्या सीन है, और ये बॉडीज़ हैं जो कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज़ हैं, नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज़ हैं, जैसे नीति आयोग क्या चीज़ है, जैसे न्यूज़ शो में आप जो चीज़ें सुनते होंगे वो सारी चीज़ें आप लोग इधर पढ़ते हो। पॉलिटिकल साइंस में एक अच्छा सिटीज़न आप बन सकते हो अगर आपने ये ह्यूमैनिटीज़ के सब्जेक्ट्स लिए हो। ह्यूमैनिटीज़ आर्ट्स को ह्यूमैनिटीज़ के सब्जेक्ट्स भी बोलते हैं, ठीक है ना। ह्यूमंस जैसे जो चीज़ें सोचते हैं उनके बारे में, जो वो चीज़ हो गई, वो अगर आपको पढ़नी हो तो आपको पॉलिटिकल साइंस ले लेना चाहिए, ठीक है ना। देन आ गया सोशोलॉजी। सोशोलॉजी में आप क्या करते हो बेटा, आप लोग सोसाइटी के बारे में पढ़ते हो। सोसाइटी में जैसे फैमिली क्या होती है, जैसे सोसाइटी की प्रॉब्लम्स हो गई, जैसे
कोलोनलिज्म ठीक है ना, सोशलिज्म ठीक है ना, ये सारे प्रॉब्लम्स नहीं है सॉरी, ये मतलब थॉट्स हैं, इनके बारे में आप पढ़ते हो तो जैसे रीजनलिज्म हो गया, कॉम्युनलिज्म हो गया, सेकुलरिज्म हो गया, ऐसे ऐसे जो बहुत ही बड़े बड़े थॉट्स हैं इनके बारे में आप पढ़ते हो ठीक है ना, फैमिली क्या होती है, तो ये सारी चीज़ें आप सोशोलॉजी में पढ़ते हो। एजुकेशन में बेटा आप यही चीज़ें पढ़ते हो जो आप एजुकेशन वगैरह ले रहे हो, इनके बारे में पढ़ते हो, देख लेना जब पढ़ोगे तो आपको पता लग जाएगा। बट ऐसे ही सब्जेक्ट्स में इधर ज़्यादा कुछ समझने वाला कुछ नहीं है, सिर्फ लर्न करने वाली चीज़ें हैं ठीक है ना। देन आ गया कॉमर्स की कहानी। कॉमर्स में बेटा आप लोग क्या क्या पढ़ते हो, कॉमर्स में बेटा आप लोग एक तो होता है अकाउंटेंसी, और एक होता है बिजनेस स्टडीज ठीक है ना। अकाउंटेंसी में बेटा आप क्या क्या पढ़ते हो, जैसे यही कोई अकाउंट्स बनाना सीखते हो आप, जैसे आपके जो पासबुक होती है वैसे अकाउंट्स होते हैं ना, वैसे कोई बिजनेसमैन होता है अपने अकाउंट्स बनाता है ठीक है ना, कि मेरे को ये काम करना है, ये काम करना है, फलाना काम करना है, जैसे उधर होता है जर्नल होता है, लेजर होता है, अकाउंट्स होते हैं बेटा, ज़्यादा उसमें समझने वाली कुछ चीज़ नहीं, थोड़ा आपको बनाना आ जाना चाहिए बस थोड़ा बहुत, वो बाकी और कुछ भी नहीं है, आसान सी चीज़ है। और लास्ट में आप फिर प्रॉफिट कैलकुलेट करते हो, प्रॉफिट लॉस अकाउंट बनाते हो, बैलेंस शीट बनाते हो कि हाँ भाई मेरी कितनी चीज़ें लग गई हैं और कितनी चीज़ें बच चुकी हैं, तो उनका फिर आप प्रॉफिट वगैरह कैलकुलेट करते हो। तो यही सारी चीज़ें, मतलब आपको बिजनेसमैन अगर बनना हो तो आप कॉमर्स ले सकते हो ठीक है ना। तो अभी मैं बता देता हूँ कि बंदे ये सब्जेक्ट्स क्यों लेते हैं बेटा। मेडिकल और नॉन मेडिकल बंदे इसलिए लेते हैं कि मेडिकल तो इसलिए लेता है कि जो सबसे, अगर मैं आपको बता देता हूँ, अगर आपने ये वाले एग्ज़ाम क्वालिफाई कर दिए तो इसका मतलब आप अपने सब्जेक्ट में क्या हो, एक्सपर्ट हो ठीक है। तो जैसे हो गया मेडिकल, मेडिकल में अगर आप लोगों ने नीट का एग्ज़ाम मतलब डॉक्टर बनने का एग्ज़ाम अगर आपने क्वालिफाई कर दिया तो आप अपने फील्ड में एक्सपर्ट हो ठीक है ना। नॉन मेडिकल अगर आप लोगों ने इंजीनियरिंग आईआईटी जेई मीन्स और एडवांस ये वाला एग्ज़ाम अगर आपने क्वालिफाई कर लिया तो अपनी फील्ड में आप एक्सपर्ट हो। आर्ट्स अगर बंदा तभी लेता है, वो सोचता है कि मेरे को सिविल सर्वेंट बनना है, आईएएस वगैरह बनने की कोशिश करता है बंदा ठीक है ना। देन कॉमर्स, कॉमर्स में एक सीए होता है चार्टर्ड अकाउंटेंट ठीक है ना, अगर वो अगर आपने ये वाला एग्ज़ाम अगर क्वालिफाई कर दिया तो आप क्या होते हो कि आप अपनी फील्ड के शहनशाह माने गए ठीक है ना, एक्सपर्ट माने गए। तो ये मैं बताता हूँ अभी।